well in this video we are going to study about the dynamics of rotational motion about a fixed axis so शुरू करते हैं हमारा जो टेबल नंबर 7.2 है टेबल नंबर 7.2 को हमने आपके सामने यहाँ ला कर रखा है तो इसमें हम ये देखेंगे थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कंपैरिजन ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन एंड द रोटेशनल मोशन सो ट्रांसलेशनल मोशन एक लीनियर मोशन होता है जब एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है और उसको हम ऐसे ले सकते हैं पार्टिकल इज इज इज़ गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू तो पॉइंट बी सो सी हेयर दिस इज़ द पॉइंट ए टू दिस इज द पॉइंट बी और यहाँ उसका जो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है यदि कोई एक्स है और उसकी जो अनिशियल ब्लुस्टी यू है और फाइनल बलुस्टी बी हो सकती है और दूसरा हम यदि बात करें सर को रोटेशनल मोशन की तो ये आपके पास जो नीचे वाला एग्जांपल है इसमें आप रोटेशनल मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं देखिए यदि लीनियर मोशन की बात करें तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी उसको यदि हम एक्स से लिखेंगे और इसी तरीके जो सर्कुलर मोशन में आप देखें यदि आपका जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट से लेके सर्कल के ऊपर यहाँ पहुँच जाता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि एक पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलता है और उसकी वेलोसिटी क्या होगी वी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही जब एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको हम लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी सो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि एक्स का जो रोल है वो यहाँ थीटा प्ले करेगा आगे एक्सेलेशन होता है बेलोसिटी किस किस रेट से बदल रही है तो एंगुलर एक्सेलेशन क्या होना चाहिए जो एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है और लीनियर मोशन में जब हम मास की बात करते हैं तो एंगुलर मोशन में सर्कुलर मोशन में हम मूवमेंट ऑफ एनर्शिया की बात करते हैं यहाँ हमारे पास फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेशन तो रोल ऑफ मास इज़ प्लेड बाय मूवमेंट ऑफ एनर्शिया रोल ऑफ एक्सलेशन इज प्लेड बाय एंगुलर एक्सलेशन एंड रोल ऑफ द फोर्स इज प्लेड बाय टॉर्क राइट सो अब आगे चलिए आप हमने लीनियर मोशन में पढ़ा है कि जब एक बॉडी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रही है और आप उसके ऊपर कोई एक फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं Uh, और वो डिस्प्लेसमेंट को डी एस कवर कर रही है तो जो काम होगा वो होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट अब यदि हम सर्कुलर मोशन में जाएं तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा रोल ऑफ फोर्स इज प्लेड बाय टॉर्क और रोल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज प्लेड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा सो टाओ डी थीटा हो जाएगा उसके बाद है हमारे पास की काइनेटिक एनर्जी इज रटन बाई वन बाई टू एम बी स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी इन द रोटेशनल मोशन क्या होनी चाहिए रोल ऑफ मास इज प्लेड बाय मूवमेंट ऑफ एनर्जिया रोल ऑफ बेलोसिटी इज प्लेड बाय एंगुलर बेलोसिटी एंड टू इज द कांस्टेंट ओवर हेयर आगे हम चले पावर के ऊपर तो पावर क्या होगा फोर्स इन टू अब यहाँ पावर रोटेशनल मोशन में क्या होना चाहिए पावर टॉर्क फोर्स की जगह टॉर्क और लीनर बेलुस्ट की जगह एंगुलर सो इट शुड बी पावर इज इक्वल टू टाओ टाइम उमेगा हो जाएगा

कि यहाँ कहा है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स रहनी चाहिए पहले तो हम कॉमन सेंस से बात करते हैं जैसे हम यदि कहें कि आपके पास एक एक्सिस है फॉर एग्जांपल ऐसे है अब तो इस एक्सिस में यदि फोर्स या तो इधर को लगे या तो इधर को लगे टॉर्क जो है या ऊपर को लगे या नीचे को लगे इसका मतलब आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अपनी जगह से खिसकेगी नहीं यदि आपका टॉर्क जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह से खिसकेगी नहीं बट यदि आपका जो टॉर्क है नेट टॉर्क यदि वो वर्टिकली सॉरी पर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो टुवर्ड राइट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन खिसक जाएगा यदि यह टुवर्ड लेफ्ट होगा तो टुवर्ड लेफ्ट खिसक जाएगा यदि इधर को होगा तो इधर को खिसक जाएगा जैसे ही नाइन्टी डिग्री के ऊपर टॉर्क लगेगा वो हमेशा ही आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्प्लेस कर देगा अब हमने इस कंडीशन को अचीव करने के लिए कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह फिक्स रहना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे हम ये बात करेंगे यदि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो इस पैराग्राफ के बीच में है और इस पैराग्राफ में स्टेप बाइज दिया हुआ कि हम क्या कंसिडर करें कि देखिए हमारे पास जो टॉर्क का डेफिनेशन होता है तो जो टॉर्क बाई डेफिनेशन होता है यहाँ लिख देते हैं जो टॉर्क होगा वो होगा एक वैक्टर क्वान्टिटी है आर वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर हम ये देखते हैं कि यदि हम इसको कॉम्पोनेंट्स में कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाले जो एक्सिस है वो पॉजिटिव बाई एक्सिस हो जाएगी यदि हम देखें यहाँ कि जो टॉर्क है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन किन कंडीशन में आता है हम यहाँ लिखते हैं जो टॉर्क है आपका तो इसको मैं लिख देता हूँ इसके कंपोनेंट्स में आर एन टू आई कैप क्रॉस जो एफ इंटू जे कैप बिकॉज दिस इज अ प्लस बाई एक्सिस और दिस पार्ट इज नेगेटिव बाई एक्सिस एंड दिस दिस एक्सिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस राइट सो हम यहाँ लिखें आगे कि जो टॉर्क है हमारे पास वो क्या हो जाना चाहिए दिस इज़ आर एंड एफ आई क्रॉस जे इज जस्ट के कैप बट विल हैपन देन ये आपको ये बता रहा है ये बाल पार्ट जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा और ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी तो दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी अलॉन्ग जेड एक्सीज अभी हमने पढ़ा कि यदि हमारा टॉर्क की डायरेक्शन अलोंग द एक्सीज ऑफ रोटेशन होगी तो हमारा जो एक, एक एक्सीज ऑफ तो रोटेशन जिसको हम अपने गाँव की भाषा में खूंटा कह सकते हैं ये खूंटा अपनी जगह से खिसकेगा नहीं और यही हमारी रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है एक पोजीशन वेक्टर और जो फोर्स है ये ऐसे प्लेन में लाई करने चाहिए ये देखो ये जो प्लेन है ये जो सर्कुलर प्लेन है ये जो है ये ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमें कह सकते हैं कि जब हमारा पोजिशन वैक्टर और जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू तो द प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो जो टॉर्क का वैल्यू आएगा वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा जैसे आप यहाँ इसको देख सकते हैं दूसरा केस हमारे पास ऐसे है कि यदि फॉर एग्जाम्पल हम फोर्स को अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अप्लाई करते हैं देखिए एक पार्टिकल जो है वो इस इस, इस पॉइंट के ऊपर है और हम फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो पोजीशन वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस है बन सकें तो हम टॉर का फार्मूला यहाँ लगाते हैं टॉरक इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो जाएगा अब यहाँ देखिए पोजीशन वेक्टर इज़ अलोंग एक्स एक्सिस तो आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शनों को अलग करके दिस इज आर आई कैप क्रॉस एफ इज नाउ अलोंग जेड एक्सिस तो आप इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ इंटू के ये देखिए ऐसे लिख दिया अब आप इसको खोल दीजिए ये जगह आर इंटू एफ इज आर एफ एंड नाउ आई क्रॉस के इज इक्वल टू ये देखिए आई जे एंड के सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के एंड देन जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई हेयर वी हैव आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव बाय एक्सिस में होगा माइनस जे का मतलब है कि जो टॉर्क लगेगा वो माइनस बाय एक्सिस में लगेगा मतलब क्या हुआ इसका इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन से 90 डिग्री परपेंडिकुलर यदि टॉर्क लगेगा तो क्या करेगा वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को खिसका देगा अपनी जगह से हिला देगा डिस्प्लेस कर देगा इसका मतलब इससे क्या होने वाला है जो फिक्स्ड एक्सेस की कंडीशन है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे इसका मतलब साफ है कि हमारा जो आर पोजिशन वैक्टर जो है और एफ जो है आर या एफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर नहीं होने चाहिए दे मस्ट लाई इन द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन सो ये इसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट है इसको हम आगे लेके चलते हैं देखिए अब आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ देिए हैं अगले पैरे का तो यहाँ आप देखिए पहले पैरे में लिखा है कि वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज फोर्स हमने सिर्फ उसी फोर्स को कंसिडर करना है दैट लाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ये देखिए हम हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया और ये प्लेन हो गया एक्स और बाई प्लेन और एक्स और बाई प्लेन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो यही बात यहाँ कही है वी नीड टू कंसिडर ओनली दो फोर्सेस हम उन्हीं फोर्सेस को कंसिडर करेंगे विच लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जो एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा दिस मीन्स यदि आप यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए जो हमारा पोजिशन वैक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए आप इसको ऐसा ले सकते हैं आर आई कैफ जो आपका फोर्स है ये जो है वो पॉजिटिव बाई एक्सिस की ओर है इसलिए मैं फोर्स को लिख सकता हूँ एफ और इसको जे कैप लिख सकता हूँ ये देखिए मैंने यहाँ लिखा टॉर्क कितना पैदा होगा आर आई कैप और एफ जे कैप तो क्या हुआ आर एफ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के सो दिस मीन्स दैट जो ये दोनों टॉर्क जनरेट करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा और हमने ये बात कही है पहले कि यदि टॉर्क जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स रखने में हेल्प करेगा डिस्प्लेस नहीं करेगा दिस मीन्स ये कंडीशन तो फेवरेबल है अब देखिए आगे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं उन्होंने आगे कहा फोर्सेस विच आर पैरल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ध्यान दीजिए ऐसे फोर्सेज जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरल होंगे वो टॉर्क कैसा क्रिएट करेंगे दे विल क्रिएट द टॉर्क परपेंडिकुलर टू इट ये देखिए ये रही आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये टॉर्क जो जनरेट करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जेड जेड प्राइम मान लेता हूँ जो टॉर्क होगा वो नाइन्टी डिग्री पर ऐसे आ जाएगा तो क्या करेगा वो वो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को खिसका देगा तो आपने ये ध्यान रखना है आप यहाँ देख सकते हैं ये देखिए आपका जो पोजीशन वेक्टर हुआ वो अलोंग द एक्स एक्सिस हुआ तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज आर ऑफ आई कैप जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है तो एफ ऑफ के कैप हो जाएगा अब आप देखिए आर एफ आई क्रॉस के क्या होगा यहाँ आई हो गया यहाँ जे हो गया यहाँ के हो गया तो हमारे पास है आ, जे मिसिंग है आई क्रॉस के इज इक्ल टू तो माइनस जे दिस मीन्स जो टॉर्क लगेगा वो माइनस बाई एक्सिस क्यों लगेगा हम इसको ऐसे थोड़ा बना देते हैं ये देखिए ये आपके पास हो जाएगी प्लस बाई एक्सिस और ये माइनस बाई एक्सिस और ये प्लस एक्सिस और ये वाली जो एक्सिस होगी वो माइनस एक्सिस हो जाएगी तो यदि ये परपेंडिकुलर देखिए आप ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिसके किनारे जो पार्टिकल घूम रहा है उसे 90 डिग्री पर टॉर काम करेगा तो ये क्या करेगा इसको डिस्प्लेस कर लेगा लगातार बाहर की ओर धक्का लगेगा और ये इसको खिला हिला देगा और एक्सिस फिक्स नहीं रहेगी इसका मतलब आपने जो पोजिशन वैक्टर या दोनों में से कोई एक ना तो आपने या तो पोजीशन वेक्टर को एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर नहीं लेना है या फिर आपने अप्लाइड फोर्स को भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं लेना है तो दूसरी आगे जो हमारी ऑप्शन है ये देखिए आप दूसरे पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं कि हम कि वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज कंपोनेंट्स ऑफ द पोजिशन वैक्टर हम पोजिशन वैक्टर के उन्हीं कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होंगे जैसे आप यहाँ देख लीजिए यहाँ जो आपका पोजिशन वैक्टर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है यहाँ देख लीजिए बट यहाँ नीचे देखिए यदि मैं इस पोजिशन वैक्टर को इस एक्सिस के पैरल ले लेता हूँ इफ आई कंसिडर दिस पोजिशन वैक्टर पैरल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स को हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आंसर क्या आने वाला है हमने देखिए क्या लिखा जो आर है उसको तो हमने ले लिया अलोंग के कैप एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस है फोर्स को हमने ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज आई कैप अब देखिए जरा आई के क्रॉस आई क्या होता है आई जे और के अब के क्रॉस आई डायरेक्ट जे होगा सो so, ये प्लस जे हो जाएगा दिस मीन्स आपका जो टॉर्क लगेगा वो प्लस जेड एक्सिस की ओर लगेगा यो टॉर्क बिल नाउ पॉइंट्स अलग यो टॉर्क बिल पॉइंट्स अलो इसको हम प्लस बाई एक्सिस देते हैं प्लस बाई एंड दिस इज माइनस बाय सो दिस पॉइंट्स अलॉन्ग पॉजिटिव बाय डायरेक्शन सो ये 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 डायग्राम और ये डायग्राम में थोड़ा मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है आई कंसिडर दिस एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड आई कंसिडर दिस एज माइनस एक्स एक्सिस सो इट पॉइंट्स यदि आप चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको आप प्लस बाई मान लो इसको आप माइनस बाई मान लो, लो, लो यदि इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है तो यहाँ तो टॉर्क नहीं लगेगा इस डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट होगा हम ऐसे लिख देते हैं राइट सो इट पॉइंट्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन प्लस बाई एक्सीज की हो तो इससे भी क्या होने वाला है यदि आपका जो खूंटा है वो कुछ इस तरीके का है तो उसको यदि इधर को 90 डिग्री के ऊपर फोर्स लग रहा है तो धीरे धीरे उसको हिला देगा खिसका देगा राइट सो दीज आर द एजम्पन्स अब इन एजम्पशंस को ध्यान में रख के हम अपने आर्टिकल की ओर प्रोसीड करेंगे वेल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क डन बाय टॉर्क इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है और इट विल रिवॉल्व अराउंड ए फिक्स एक्सिस दैन वी विल ट्राई टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय ए टॉर्क सो यहाँ हम देखें जैसे पहले हम इसका फिगर को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं हमारे पास एक प्लेन है दैट इज एक्स प्राइम बाई प्राइम प्लेन एंड द बॉडी द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग जेड प्राइम एक्सिस एंड दैट इज पर टू वो एक्स एज वेल एज बाई एक्सिस राइट सो इट लुक्स लाइक दैट इसकी हम बाद में फिर चर्चा करेंगे इसमें हमारा जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और ये रहा वो सर्कुलर ऑर्बिट इस तरीके का है और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो एक्स प्राइम और बाई प्राइम प्लेन में है राइट right? और एक्सीज ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि शुरू में जब आपने पार्टिकल्स को देखना शुरू किया वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था ऑलरेडी Uh, उसकी जो लोकेशन थी वो P1 पॉइंट के ऊपर थी और उसका जो डिस्टेंस था आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट C से दैट डिस्टेंस वाज़ R1 आफ्टर सम टाइम दिस पार्टिकल रीच एट पॉइंट P1 प्राइम थोड़ी देर के बाद वो P1 प्राइम पर पहुंच जाता है तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ डी थीटा और उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग द आर्क ऑफ दिस सर्कल दैट इज डी एस वन देखिए इस पार्टिकल को पी वन से पी टू पॉइंट तक जाने के लिए जो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ा वो रहा एफ और उसका जो रेडियल पार्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर है उसके साथ ये अप्लाइड फोर्स एंगल बनाता है अल्फा वन और, और ये जो आर्क के साथ जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल है डी एस वन उसके साथ ही एंगल बनाता है फाइव वन हम क्या करते हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके हिसाब से हम प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं कि इन केस ऑफ इन केस ऑफ लीनियर मोशन लीनियर मोशन के केस में हम जानते हैं कि जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यदि हम इस फिगर के हिसाब से चलें तो हमारी फिगर ये कहती है कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो एफ वन वैक्टर है और जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जो आपने पहला पार्टिकल एक रिजिड बॉडी में से सिर्फ एक पार्टिकल चूज किया हुआ है तो उसके बीच में जो आ, एंगल है ये देखिए एफ वन वैक्टर और ये जो डिसप्लेसमेंट है वो डी एस वन वैक्टर है आप इसको खोल दीजिए ये आपके पास आ जाएगा एफ वन मैग्नीट्यूड और डी एस वन और दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाइव वन है राइट हम आगे चलते हैं इसको धीरे धीरे करके हम रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम देखें कि यहाँ जो डी एस वन वाला पार्ट है उसको हम इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम एक सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप देखिए एक पार्टिकल का यही डायग्राम हम दोबारा बना देते हैं ये रहा आपका सेंटर सी और ये रहा पॉइंट पी वन और इसके बाद वो थोड़ी देर के बाद आपका पार्टिकल जो है वो पी वन प्राइम पॉइंट पर पहुंच जाता है ये एंगल है आपका डी थीटा और ये वाला पार्ट है डी एस वन तो यहाँ से यदि आप डिफाइन करें तो आपके पास हो जाएगा आ, ये है पोजिशन वैक्टर आर वन सो जो डी थीटा होगा वो होगा डी एस वन इट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द आर्क कवर्ड बाई पार्टिकल विच इज़ लोकेटेड एट पॉइंट पी वन डिवाइड बाई आर वन तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारे पास जो डी एस वन आएगा दैट इज इक्वल टू आर वन टाइम डी थीटा सो इसको हम इक्वेशन नंबर वन मार्क कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर टू मार्क कर देते हैं हम आगे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका वर्क डन ऑन द फर्स्ट पार्टिकल डी डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा वो आ जाएगा अप्लाइड फोर्स एफ वन और डी एस वन की जगह आप वन भर देंगे आर वन डी थीटा और जो कॉस फाइव वन हो जाएगा अच्छा डायग्राम में हम जरा गौर से देखें तो ये हमारा जो डायग्राम है ये कुछ इस तरीके का है देखिए गौर से देखें तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि फ्रॉम द डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट कि फाइव वन प्लस एल्फ़ा वन का जो सम है वो 90 डिग्री है दिस मीन्स फाइव वन जो है वो 90 डिग्री माइनस एल्फा वन हो जाएगा आप इसको इक्वेशन नंबर थ्री में यूज़ कर दीजिए आपके पास आ जाएगा डी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू यह आपके पास आ जाएगा एफ वन और ये आएगा आर वन डी थीटा एंड दिस इज कॉस और फाइव वन आपके पास रहेगा नाइन्टी डिग्री माइनस एल्फा वन सो दिस विल बिकम नाउ एफ वन आर वन डी थीटा एंड दिस इज नाउ कॉस नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा इज कॉस नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा इज दिस साइन थीटा सो हेयर थीटा इज एल्फा वन राइट हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके बाद हम ये करते हैं कि हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन है हमें जानते हैं कि यदि मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जरा फिगर को ध्यान से देखते हैं देखिए आपका यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो वो लोकेट करता है इस पॉइंट के ऊपर इट इज़ लोकेटेड आप यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो आर है वो कुछ मतलब आई I मीन mean, आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है और यहाँ से आप इस पार्टिकल को पहले P1 पॉइंट पर देखते हैं और थोड़ी देर के बाद आपका जो पार्टिकल है वो P1 पॉइंट तक चला जाता है और ये रहा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा राइट अब यदि जरा गौर से देखें हम ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको हम यदि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो हमारे पास हो जाना चाहिए कि ओ पी वन जो है इट इज इक्वल टू ओ सी और ये आ जाएगा आपके पास सी पी वन तो ये सी पी वन यहाँ होना चाहिए इट शुड बी सी पी वन राइट सो यहाँ पुट कर दीजिए आप आर uh, वन की जगह या इसको टॉर्क यदि हमने निकालना तो टॉर्क निकालने का यही तो तरीका होगा ये देखिए ओ पी वन इंटू एफ वन यदि आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ होता है तो इसकी जगह हमने लिख दिया ओ सी वैक्टर और सी पी वन वैक्टर एंड क्रॉस एफ वन अब ब्रैकेट को खोल दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ़ वन पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आप आ, लाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं ये आपके पास आ जाएगा ओ सी क्रॉस एफ वन प्लस सी पी वन होना चाहिए यहाँ सी पी वन और एफ वन हो जाएगा ओके अब देखिए हमने यही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले वीडियो में किया था कि जो आर जो है जो पोजीशन वेक्टर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है कि हमने कहा था कि जो या फोर्स या पोजीशन वेक्टर को आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर नहीं लेना है यदि आपने ऐसा किया तो जो आपका टॉर्क पैदा होगा इससे वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा और वो इसको हिला देगा इसलिए फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो कंडीशन है वो अचीवेबल नहीं होगी इसलिए हमने पोजिशन बैक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसको कंसिडर नहीं करना है सो so, अब हमारे पास रह जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू ओनली सी पी वन क्रॉस एफ वन सो सी पी वन क्या है ओनली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन सो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट पार्टिकल और जो फोर्स आप पहले पार्टिकल के ऊपर लगा रहे हैं राइट right? तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं अब इसको आप खोल दीजिए आगे यह आ जाएगा आपके पास आर वन एफ वन और आर वन और एफ वन के बीच में पोजीशन वेक्टर का रेडियल कंपोनेंट देख लीजिए ये आपके पास आ गया आर वन और ये आपके पास आ गया एफ वन और दोनों के बीच का जो एंगल है वो एल्फा वन है इसीलिए हमने अब आपको ये भी समझना है कि हमने फाइव वन से अपने आर्टिकल को एल्फा वन में क्यों शिफ्ट किया था क्योंकि हमें पता है कि जो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ होता है और जो ये एंगल एग्जिस्ट करता है जैसे अल्फ़ा वन है तो ये आर और एफ के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कंसिडर करते हैं इसलिए अब वापिस चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क यहाँ से जनरेट हुआ है जो टॉर्क है टॉर्क इज इक्वल टू आर वन एफ वन एंड साइन ऑफ एल्फा वन इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डी डब्ल्यू वन आएगा वो आपके पास आ जाएगा टाओ वन डी थीटा आ जाएगा ओके पर हमारे पास एक रिजिड बॉडी थी और रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं आप इस पैराग्राफ में यहां पढ़ सकते हो इफ देर आर मोर देन वन फोर्सेज क्योंकि रिजिड बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उसमें हर पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल पर अलग अलग फोर्स लगेगा दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी सो द वर्क डन बाई ऑल ऑफ देम क्या होना चाहिए इट इज द टोटल वर्क डन ऑफ द बॉडी जो टोटल तो, टॉर्क तो, 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 जनरेट होगा अलग अलग फोर्सेज की वजह से तो क्योंकि रिजिड बॉडी जो है उसमें जो पेयर ऑफ पार्टिकल का जो बीच का डिस्टेंस है वो शिफ्ट नहीं होता इसलिए सभी जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल डी थी टा ओनली एंड ड्यू टू ऑल द फोर्सेज हैव द डिफरेंट टॉक्स दैट इज टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री एटसेट्रा राइट सो हमारे पास जो वर्कडन है इसकी वजह से क्या होना चाहिए यह हम लिख सकते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू डिफरेंट फोर्सेज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क टॉर्क ड्यू टू डिफरेंट फोर्स अलग अलग फोर्सेज की वजह से टॉर्क कितना होगा हमें कह सकते हैं दिस इज डी डब्ल्यू दिस इज अ टोटल वर्कडन नाव दिस इज टाव वन प्लस टाव टू प्लस सो एंड सो ऑन एंड द एंगर डिसमेंट विल रिमेन द सेम एज द रिजड बॉडी ऑल द पार्टिकल विल मूव कवर द सेम एंगर डिसमेंट राइट सो ये तो हमने कह दिया कि जो अब अब आप जानते हैं कि जो टॉर्क है वो एक बेटर क्वान्टिटी है और इसका जो टॉर्क होगा हमने आर और एफ को कैसे चूज करना होता है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये देखिए हमने जो आर और एफ को जो चूज़ करना होता है वो इसमें आर और जो एफ है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होने चाहिए आर एंड एफ मस्ट बी पर पेंडिकुलर टू द प्लेन तो हम ये कैसे कैसे कह सकते हैं ऐसे करके कह सकते हैं सो so, ये आपके पास आर हो जाएगा ये एफ हो जाएगा सो so, उससे जो टॉर्क होगा इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा तो so, हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल टॉर्क होगा वो आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाओ टाइम डी थीटा यदि हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशन मोशन में हम क्या करते हैं जो बर्कडन हमारे पास होता है वो होता है फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट होता है तो हेयर इन रोटेशनल मोशन रोल ऑफ द फोर्स इज प्लेड बाय टॉर्क एंड रोल ऑफ द लीनियर डिसप्लेसमेंट इज प्लेड बाय एंगुलर डिसप्लेसमेंट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सप्रेशन थैंक यू वेरी मच